हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है बोट वेव कनेक्ट स्मार्ट वॉच के ऊपर। बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो रखने वाला हूँ मैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस स्मार्ट वॉच के वॉच फेस कस्टमाइजेशन के ऊपर। इस स्मार्ट वॉच में आपको अगर अपनी वॉच फेस कस्टमाइजेशन करनी है या फिर अगर अपने गैलरी से किसी भी इमेज को एज अ वॉच फेस बनाना है तो कैसे बनाना है वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ बहुत ही फटाफट। सबसे पहले तो आपको मेक श्योर कर लेना है कि आपने अपने मोबाइल के ऊपर बोट वेव एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है। ये आपको प्ले स्टोर पर ईजिली मिल जाएगा। उसके बाद आपको स्मार्ट वॉच को इससे कनेक्ट कर लेना है। हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ओपन किया, यहाँ पे आपको डिवाइस पे क्लिक करना है। जैसे ही डिवाइस पे जाओगे यहाँ पे देख सकते हो मेरा स्मार्ट वॉच ऑलरेडी कनेक्टेड है। आप कनेक्टेड नहीं तो आप भी कनेक्ट कर लीजिए, बहुत इजी स्टेप है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, कनेक्ट पे क्लिक करना है। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वॉच फेस मार्केट दिखाई देगा। वॉच फेस मार्केट पे मोर पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैनेज वॉच फेस आएगा, मैनेज वॉच फेस पे क्लिक कीजिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कुछ वॉच फेसेस जो आपके स्मार्ट वॉच में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आते हैं, प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, वो दिखेंगे। तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको कस्टमाइज लिखा हुआ है इन वॉच फेसेस। जैसे यहाँ पे लिखा है वॉच 3, वॉच 6, यहाँ पे कस्टमाइज 2, कस्टमाइज 3, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप इनको कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले को क्लिक करता हूँ, कस्टमाइज 3 पे क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें से फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेलेक्ट फ्रॉम एल्बम। किसी भी इमेज को अपने मोबाइल के एल्बम से क्लिक करना है, तो यहाँ सेलेक्ट फ्रॉम एल्बम यूज कीजिए। फिर यहाँ पे आपके मोबाइल का जो गैलरी होगा ना वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप किसी भी इमेज को सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली इमेज को सेलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना है आपको। मैंने फिनिश पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो इसका टाइमिंग है, यहाँ पे देखिए टाइम दिख नहीं रहा है, तो उसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। कलर दे सकता हूँ जिससे उसकी टाइमिंग दिख सके मुझे। तो वाइट वाला फिलहाल रखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा विजिबिलिटी है वाइट की। उसके बाद आपको सेट एज करंट वॉच फेस पे क्लिक करना है। सेट एज करंट वॉच फेस लिखा हुआ आएगा या फिर अपडेट दिस टू वॉच फेस ऐसा लिखा हुआ आएगा। तो हम फिलहाल इस पे डिलीट पे क्लिक नहीं करना है आपको, इस पे आपको इस पे क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेट एज करंट वॉच फेस। तो हम इस पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करोगे तो ये इंस्टॉलिंग लिखा हुआ आएगा। अब ये वॉच फेस जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। ये देखिए जैसे 99% पे आ गया, ये वॉच पे सिंबल आ गया आपके, ये वॉच फेस इसमें जा रहा है और यहाँ पे सक्सेसफुली सेंड हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ये इमेज को रखा था, ये इमेज यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरीके से आप अपने स्मार्ट वॉच में बोट वेव कनेक्ट में ये एप्लीकेशन मतलब ये जो वॉच फेस कस्टमाइजेशन है वो कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, आपको यू नो पसंद आई हो, तो एक लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। और अगर आप ऐसी वीडियोस के अपडेट्स चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।